नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है क्योंकि आज दीपावली है। दीपावली हम सब के लिए इसलिए गर्व का विषय है क्योंकि आज हमारे आराध्य प्रभु श्री राम लंका पर विजय हासिल करके अयोध्या में आए थे, जिसके उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने इस उत्सव को दिए के रूप में जलाकर मनाया था। इस उसी समय से हम लोग इस परंपरा को आज तक निर्वहन करते हुए आ रहे हैं। लेकिन साथियों, दीपावली का महत्व होता है दिए के द्वारा दीपावली को सेलिब्रेट करना। लेकिन पिछले दो दशक से लगभग इलेक्ट्रॉनिक बाजार में इस प्रकार की कुछ चीज़ें आ गई हैं जो दीपावली को उस प्रकार तक नहीं ले जा पाती जिस प्रकार तक पुरानी थी सभ्यता में जाती थी। दीपावली का मतलब ही है दिए के द्वारा सेलिब्रेट करना। दिए के अगर द्वारा हम सेलिब्रेट करेंगे तो एक शांति का वातावरण रहेगा और इस प्रकार दिए जलाकर हम एक शांति का प्रतीक मानते हैं दिए को। तो दिए के द्वारा सेलिब्रेट करना दीपावली ही एक प्रकार की शांति का प्रतीक बताना है। लेकिन कुछ समय से कई बाजार ऐसे हैं जो इस दीपावली का भरपूर उपयोग अपने आप में कर रहे हैं। जैसे कि आप मेरे आसपास में देख रहे होंगे, झालर लटके पड़े हैं। अब इनके बिल्डिंग में आप देखें, दिए का नाम मात्र है लेकिन झालर पूरी तरह से अपना कब्जा करवाए हुए। साथियों, इस प्रकार की दिवाली नहीं होती। दिवाली का मतलब होता है इस प्रकार मोमबत्ती इसके द्वारा आप सेलिब्रेट करें, या हो सके तो घी का दिया सेलिब्रेट अगर आप पैसे वाले हों, नहीं तो आप सरसों का के तेल का भी दिया सेलिब्रेट करें। इससे क्या है कि हमारे जो जड़ के लोग हैं, जो कुम्हार लोग हैं, जो अपने मिट्टी के माध्यम से इस दिन का कई सालों से इंतजार करते हैं, इनका इंतजार करते हैं, उनके घर में भी रोशनी होगी। रोशनी कब होगी? जब हम हाथों का बना हुआ दिया खरीदेंगे। मैं मानता हूँ थोड़ी कॉस्टली होते हैं लेकिन एक प्रकार का आप समाज सेवा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम दिए से अगर उनका उपयोग करेंगे तो लाजमी है कि उनका व्यापार बढ़ेगा, उनके घर में 2-4 पैसे आएंगे। तो साथियों, इस प्रकार की दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए हमें आगे आना होगा। दीपावली का जो त्यौहार होता है एक प्रकार का दियों का ही त्यौहार होता है। तो दीपावली का त्यौहार उपलक्ष्य में आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कुम्हार भाइयों के हाथ से दिए का उपयोग करें। इससे क्या होगा?